कहाँ जाता है ना? भैला भैला भैला। तो वोट दे ले नहीं जा? ये दे, हो गया। हो गया? हो गया। ओ भाई साहब। देखो ना यार। कितना समय जा रहे? अरे 6:30 बजे। 6:30 बजे। हाँ तो कौन ला वोट दे? दे जाने कौन ही लगला। ऐसे दे 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 दे। ये देखो कौन ला वोट दे? एला। एला। ए भाभी कौन ला वोट दे बता? पता हम दे बता रहा। ले बता रहा। दो यूट्यूबर जा रहे हैं वोट देने के लिए। एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। ये जितना कीमती हम लोग बोल रहे हैं ना, नेता लोग हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते वोट लेने के बाद। मैं कमर छाप में बटन जोरदार दबा दूंगा। हेलो गाइस, फिर से एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज है गाइस 7 नवंबर और आज अपने गांव में जो ना विधानसभा चुनाव है, तो देखते हैं गाइस कितना सारा भीड़ रहता है अपने गांव में जहां पर चुनाव देते हैं या डालते हैं। तो वहां पर अभी जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और हमारा ये रहा पर्ची, तो हम भी आज चुनाव डालने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा कुछ आज का सीन रहता है और कैसा माहौल रहता है चुनावी क्षेत्र में, यानी कि स्कूल में जहाँ पर अभी चुनाव हो रहा है। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आप लोगों को बता दूं गाइस, ये केसकाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है अपना गांव। तो भाई साहब अभी जा रहे हैं अपन लोग साइकिल में और ये रहा पर्चा, हमको डाल देते हैं। तो देखते हैं कैसा कुछ भीड़ देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा भीड़ रहा तो वापस आएंगे, बाद में जाएंगे। तो अभी चलते हैं पहले साइकिल से, काफ़ी दूर है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर दूरी पर है गाइस। और चलते हैं और आप लोगों को आगे मिलते हैं। इसमें निकल गया हूँ और दीपावली आने वाला है, तो इधर पेंटिंग वगैरह का काम चलेगा। अभी साफ कर रहे हैं दीवार को। तो इधर जा रहा है बड़े पापा, तो पूछते हैं भाई ये किसको वोट दिया है नहीं दिया है। इधर भी काम चल रहा है। कहाँ जाता है? भैला भैला भैला। तो वोट दे ले नहीं जा? ये दे, हो गया। हो गया? हो गया। ओ भाई देखो ना यार। कितना समय जा रहे? अरे 6:30 बजे। 6:30 बजे। हाँ तो कौन ला वोट दे? दे जाने कौन ही लगला, पता नहीं है। हाँ तो गाइस वोट तो दे दिए, सुबह सुबह गए थे इन लोग बड़े पापा लोग। तो भाई साहब बताए नहीं क्योंकि इन सीक्रेट है ना, तो कोई दूसरे को देने से दूसरे वाले चिल्लाएंगे। आई थिंक कुछ ऐसा ही है। तो चलते हैं, बता दिया भाई, तो अपना भी टाइम आएगा वोट देने का, वो आगे पता चलेगा भाई। तो चलते हैं सीधा। और ये देख सकते हो सामने है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टेंट लगाया हुआ, और इस साइड है आपका भाजपा वाले और बहुत सारे जो है पार्टी वालों का कार्यकर्ता का जो टेंट वगैरह सब ऐसे लगाए हुए रहते हैं। तो गाइस ये देखो वोट डाल के आ रहे हैं। होइस नहीं होइस ले। ऐसे दे दे दे। ये देखो कौन ला वोट दे? एला। हाथ चापा ले। अब मैं जाके ही पता चली। तो गाइस देख सकते हो, तो अपने अपना पसंद है ना। तो चुनाव इन लोग दे के आ गए हैं, डाल के आ गए हैं वोट। तभी चलते हैं अपन लोग भी। अरे जो आ रहे हैं कई लोग जा भी रहे हैं। ए भाभी कौन ला वोट दे बता? पता हम दे बता रहा। ले बता रहा। अच्छा समझ गए। बस आगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा था, फिर भी कोई वीडियो नहीं आ रहा था अपने चैनल में, खासकर तो वोटिंग वाला, ठीक है। और इसके साथ हम लोग जा रहे हैं भाई साहब बस्तर का छोरा, थक गया हूँ। तो गाइस हम लोग जाने वाले हैं साइकिल में, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा, ये चलाएगा। तो चलते हैं गाइस, दो यूट्यूबर जा रहे हैं वोट देने के लिए। एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। ये जितना कीमती हम लोग बोल रहे हैं ना, नेता लोग हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते वोट लेने के बाद करेंगे, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो देखो कितना सारा पब्लिक आ गया है भाई साहब वोट देने के लिए। पता नहीं वोट देने के लिए कि प्रचार प्रसार के लिए, कोई आइडिया नहीं। तो चलो चलते हैं अभी। कहाँ चलते हैं? तो यहाँ पर मतदाता सहायता केंद्र है, जो कि पर्चा पत्र वगैरह जो मतदाता वाला रहता है वो सबको यहाँ पर दिया जाता है। पर्चा टाइप का जो मैं लेके आया था आप लोगों को दिखाया भी हूँ, वो वाला के लिए हम मतदाता सहायता केंद्र भी है। ये देखो कितने सारे लोग आए हैं भाई वोट देने के लिए। इतने जो दिखते हैं ना, इतने से कम लोग बाद में दिखेंगे इस रोड पर। ये देखो इधर भी हैं, इस साइड भी हैं, अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। तो टेंट वगैरह सब की व्यवस्थाएं हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लंबा लाइन लगा हुआ है भाई साहब। इतना लंबा लाइन में तो हम कहीं पर भी नहीं लगते।
वोट देने के लिए इतना लंबा लाइन कौन लगता है भाई साहब, ये देखो पूरा। तो गाइस अभी हम लोग आए थे वोटिंग डालने के लिए गाइस, और यहाँ पर एक घंटे से कुछ ज़्यादा टाइम हुआ है। ईवीएम मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़राब हो गया है, देखते हैं भाई कितना टाइम तक ठीक होता है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, इतना ज़्यादा तो भीड़ लगना नहीं चाहिए था, तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। आप अभी सामने देख रहे हैं वो वाला बोलेरो पे आ गए हैं अधिकारी लोग, तो कुछ ख़राब हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उसको देखते हैं कैसा कुछ होता है। एक घंटे से वेटिंग में लगे हैं, खैर तो हम लोग 10 मिनट हो गए हैं, देखते हैं भाई साहब इनके साथ है। ये है पता नहीं कौन है, पहचान रहे हो क्या मेरे को? ये विधायक में खड़ा हुआ था शायद पिछले जन्म में, अच्छा सपने में, आज सपने में एक विधायक बना था बिना वोटिंग का, और पता नहीं आज वोट डालने आ गया। तो गाइस आधार कार्ड कंपलसरी है, इसके साथ आधार कार्ड रहना ज़रूरी है। मैं तो आधार कार्ड खैर भूल ही गया हूँ, तो उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, वेट करते हैं। मैं सबसे पहले आधार कार्ड लेके आऊँगा, तो उसके बाद फिर आएंगे समथिंग दोपहर को आएंगे। ऐसे अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं गाइस, और अभी मैं जा रहा हूँ अब वोट डालने के लिए। तो फाइनली अब नहा धो के जा रहा हूँ, अब अच्छा हो मशीन वगैरह भीड़ वगैरह ना हो, अब बाइक में जा रहा हूँ। अब पहले तो साइकिल में गया था बिना नहाए, तो मशीन ख़राब हो गया, तो अब बाइक में जाता हूँ नहा वहा के। तो अब क्या होता है आगे आप लोगों को पता चलेगा, अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ऐसे बोल रहे थे, मान लो गए थे तब। तो अब जाते हैं और दिखाते हैं भाई साहब कैसा कुछ सीन देखने को मिलता है आप लोगों को। ऐसे हम लोग आ गए हैं फिर से धन्नूगढ़ बोले तो छोरा, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधा फिर से वोटिंग वाले एरिया में, और देखते हैं भाई साहब अभी कैसा सीन देखने को मिलता है। तो खैर ये तो पहले के लुक में ही है लग रहा है, सुबह सुबह नहाए नहीं नहाए तो अभी तक नहीं नहाए है, और मैं नहा लिया हूँ भाई साहब, और ये बिना नहाए अभी फिर भी आ रहा है। तो फाइनल गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं वोट देने के लिए, लाइन में लगने वाले हैं, तो उससे पहले मोबाइल वगैरह सबको बाहर रखना पड़ता है, तो कैमरा को भी हम लोग इधर रख देते हैं, उसके बाद जाते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है अभी भी, मैं कमर छाप में बटन जोरदार दबा दूंगा मैं भी कमर छाप वाला हूं। तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग हैं गाइस, पूरा कमर छाप जीतेगा, पूरा कमर छाप, ये देखो भाई पहले पूरा पहले से जन्म रहा है, जीत रहा है, ठीक है अभी चलते हैं 25,000 हो गए, पहले वोट तो डालने दो, नहीं जीत जाएगा, चलते हैं और लाइन में लगते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने जो है अपना वोट दे दिया, अब है आपकी बारी हाँ तो जी हाँ गाइस अब आपकी बारी है, हमने वोट दे दिया है भाई साहब, ये देख सकते हो है ना, जीतेगा तब पता चलेगा भाई किसको वोट दिए हैं, जो जीतेगा हम लोग उसी को वोट दिए हैं, उसी को वोट दिए है ना, समझ जाना हम दो हैं गाइस। आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा तब, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।